और आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। कैबिनेट में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तृतीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिली है। औद्योगिक नीति के तहत टेक्सटाइल उद्योग बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए बालवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी की तर्ज पर बच्चों के लिए बालवाड़ी केंद्र भी खोले जाएंगे, इससे बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिल सकेगी। इस बैठक में लगभग 16 बिंदुओं पर प्रस्ताव आए थे जिसको मंत्रिमंडल ने सहमति दी। सबसे पहले तो तृतीय अनुपूरक को मंत्रिपरिषद ने सहमति दी, जो आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा, जो मुख्य बजट है 22-23 का, उसको मंत्रिमंडल के सामने आज प्रस्तुत किया गया, वो भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बजट सत्र में, महामहिम के द्वारा जो गवर्नर एड्रेस दिया जाता है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस दिया जाएगा उसको भी अनुमोदित किया गया। रायपुर चलेंगे, वैभव पांडे से बात करेंगे। वैभव, बड़ी बैठक थी कैबिनेट की आज, किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है? माना जाए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आज कई बड़े फैसले भूपेश सरकार ने लिए हैं। देखिए, एक तरीके से कैबिनेट की जो बैठक होती है रूटीन बैठक, उसी तरह की बैठक थी। हालांकि जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो कि लंबित थे, जिन्हें कैबिनेट में लाया गया और उसका अनुमोदन किया गया, लेकिन मुख्य रूप से इस कैबिनेट बैठक को बजट सत्र के लिहाज से देखा जाना चाहिए। जो बजट सत्र में अनुपूरक, जो तृतीय अनुपूरक जो बजट पेश होना है, उसका अनुमोदन किया गया है, उसे मंजूरी दी गई है, जिससे कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ के जो विकास कार्य होने हैं उसके लिए जो बजट आवंटन होना है, तो वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन इसमें दो और जो बड़ी बातें जोड़ी जा सकती है, वो है नई औद्योगिक विकास नीति के तहत जो टेक्सटाइल उद्योग लगने जा रहा है, जिससे कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि करीब 200 लोगों को सीधा जो है रोजगार मुहैया होगा। हाँ। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, बड़ी शुरुआत है, इससे फ़ायदा होगा और ये एक तरीके से ऐसा उद्योग होगा जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर हो सकता है। कहाँ पे उद्योग लगेगा उसकी जो है पूरी रूपरेखा कुछ दिनों बाद आ जाएगी। इसके अलावा जो बालवाड़ी है, जो कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिसे शामिल किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वो उस बालवाड़ी की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इसके लिए अधोसंरचना अपने पास उतना नहीं है, इसलिए अभी जिन स्कूलों में जहाँ पे आंगनबाड़ी भी संचालित है, यानी कि आसपास है प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र, उन जगहों का चयन किया गया है जिसमें कि 6,536 स्थान है, 36 स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पे बालवाड़ी की शुरुआत होगी। तो एक तरीके से कहिए कि ये कुछ ऐसे प्रस्ताव रहे हैं जो कि काफी अहम हैं। बाकी तो 16 प्रस्ताव हैं जिस पे अलग अलग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव पांडे को विस्तार से बताने के लिए। तो अहम है, ऐसे में 16 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कई विषयों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहर लगाई है, हरी झंडी दी है। आगे